हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? यहाँ मेरे एक फ्रेंड आए हुए हैं जो अपने फोर व्हीलर पे इधर आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपको फोर व्हीलर के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दे दूँ। तो उनका मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी कार से आए तो तरीका वही है, बॉर्डर का क्रॉस होने के बाद आपका एक कस्टम कटेगा जिसको नेपाल में भंसार बोलते हैं। और फोर व्हीलर की जो कार की फीस है 500 रुपीज़ पर डे नेपाली रुपीस। तो इन्होंने जैसे 7 दिन का भंसार कटवाया है तो इनका 3500 रुपये लगा पर डे का फीस, और ये इनका पेमेंट की स्लिप है। भंसार से एंट्री करने के बाद आप नेपाल में कहीं भी अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आती, कहीं पुलिस वालों की रोक टोक नहीं होती। पर गाड़ी में आपका एक और डॉक्यूमेंट अटैच होता है, ये आपका है नेपाल का आरटीओ। नेपाल पे आने पर जैसे 7 दिन का इनका ही है तो ये महीने का आरटीओ इनका 1000 रुपये का कटा है। इसके बिना आपको पर डे की पेनल्टी लगती है। अगर आपके पास आरटीओ नहीं होगा तो आपकी पर डे की पेनल्टी लगेगी। जैसे ये सर, ये भैया यहाँ पे आए, इनको 1 दिन हो चुका था, पर पुलिस वाले यहाँ के अच्छे थे कि उन्होंने देखा कि इंडियन हो, बाहर से आए हो, कि दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, तो उन्होंने कहा कि आप अभी तुरंत आरटीओ करा लीजिए, नहीं तो आगे आपको पेनल्टी लग जाएगी। अभी तक हम आपकी पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ की पुलिस ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं आपको होती, आपको एक फैमिली की तरह यहाँ पे रखा जाता है। पर इन दो डॉक्यूमेंट के बिना आप नेपाल के अंदर अपनी व्हीकल ला के इजली नहीं चला सकते। तो इसलिए आप आइए कस्टम ऑफिस पे, एंट्री करते ही अपना भंसार जो इजिली है, आधे घंटे में, इन भैया को भी आधे घंटा लगा था, सिर्फ इनका भंसार इनके हाथ में था। मैंने कई यूट्यूब की वीडियोस देखी, लोगों ने कहा हमने एजेंट को पकड़ा, उसको 200 रुपये दिए, उसको 100 रुपये दिए। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट आरसी, गाड़ी की आरसी होगी आपकी और आपका लाइसेंस हो गया ड्राइविंग का, साथ में आपका वैक्सीनेशन की, दो वैक्सीनेशन आपको लगनी लगी होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट की फोटोस्टेट कॉपी, इन डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ सामने ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी होके आ जाएंगे। और आधे घंटे से ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, इसलिए आप किसी भी एजेंट के बीच चक्रों में ना पड़ो। नेपाल आए तो इजली खुद ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कराएं कि आगे भी आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आना चाहे तो आप उनको इजली गाइड कर पाओ। तो अगर आपको मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाली नेपाल की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो सारी वीडियो की जानकारी आपको मिले, आपको नेपाल के बारे में पता लगे कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, यहाँ की नाइट लाइफ कहाँ इंजॉय करनी चाहिए, और उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा ब्रेक टाइम राइडर्स के साथ। तो जुड़े रहिए ब्रेक टाइम राइडर्स के साथ, आपके दोस्त निशांत के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रेक के बाद। बाय बाय दोस्त।